फ्रूट्स एंड वेजिटेबल शॉप सॉफ्टवेयर। जी हाँ दोस्तों, आज हम हमारे ब्रेन सॉफ्टवेयर के अंदर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के बिलिंग का पॉइंट ऑफ सेल सॉफ्टवेयर के बारे में पूरी डिटेल देने वाले हैं। तो आप पूरा वीडियो आप ध्यान से देखना कि कैसे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की शॉप के अंदर बिलिंग कर सकते हैं। बहुत ही ईजी है दोस्तों। यहाँ पर ये सबसे पहले मैं ये डेस्कटॉप के ऊपर चला जाता हूँ। ये देखो, ये हमारा सॉफ्टवेयर है, ब्रेन सॉफ्टवेयर। यहाँ पर मैंने डबल क्लिक कर दिया, ये सॉफ्टवेयर स्टार्ट हो गया। सबसे पहला तो मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि यहाँ पर ये देखो, जर्मन, फ्रेंच, इंग्लिश, हिंदी, कोई भी लैंग्वेज हो गई, आप यहाँ पर उस लैंग्वेज में इनवॉइसिंग कर सकते हो। तो ये यूनिकोड सॉफ्टवेयर हो गया दोस्तों। अब हम यहाँ पर ये कंटिन्यू दबा देते हैं, ये सॉफ्टवेयर स्टार्ट हो गया। यहाँ पर ये मनन फ्रूट एंड वेजिटेबल शॉप है, इसको मैं डबल क्लिक करके स्टार्ट कर देता हूँ। ये मैंने कंपनी के ऊपर डबल क्लिक कर दिया, यूजर नेम में एक टाइप किया, पासवर्ड में भी एक टाइप किया और मैंने लॉगिन कर दिया। सॉफ्टवेयर का डैशबोर्ड आ गया दोस्तों। सबसे पहले हम चले जाते हैं आइटम्स के अंदर। ये देखो, ये व्यू लिस्ट है और यहाँ पर नई आइटम क्रिएट करने की डिटेल है। मैं यहाँ पर व्यू लिस्ट में जाऊँगा। ये देखो, मैंने कुछ आइटम्स बना के रखी हुई है, जैसे एप्पल हो गया। तो ये देखो, एप्पल के ऊपर डबल क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं आइटम की इमेज मैप करके डाल सकता हूँ। यहाँ पर उसका 1 kg का रेट मैंने डाल दिया और यहाँ पर मैंने 2 ग्रुप बनाए हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो यहाँ पर से फ्रूट है कि वेजिटेबल है, वो कैटेगरी में मैंने यहाँ पर इसको डिफाइन कर रहा हूँ। ये रेट हो गया दोस्तों। इस तरीके से कोई भी आइटम, ये देखो मौसम भी हो गया, मैंगो हो गया, लीची हो गया, इसको मैंने यहाँ पर डाल दिया। यहाँ पर मैं उसका शॉर्ट कोड भी डाल सकता हूँ, जैसे यहाँ लीची को L दे दिया है, किसी को 1, 2, 3 के हिसाब से डालना है, ग्रीन ऑनियन, तो ये मैंने 2 कोड डाल दिया है। तो इस तरीके से कोडिंग भी डाल सकते हैं। ये देखो, यहाँ ग्रुप 1 के अंदर लिख के आ रहा है कि ये फ्रूट्स है या वेजिटेबल्स है। मुझे सब फ्रूट्स एक साथ देखने हैं। मैं यहाँ पर ये ग्रुप सिलेक्ट करके यहाँ पर फ्रूट लिखूंगा और सर्च का बटन दबाऊंगा, तो मेरे पास सिर्फ फ्रूट्स का लिस्ट आएगा, उसी हिसाब से मेरे पास वेजिटेबल्स का भी लिस्ट आ जाएगा दोस्तों। तो ये हो गया मेरा आइटम मास्टर पूरा रेडी। सभी आइटम्स की मैंने इमेज मैप करके रखी हुई है, यहाँ से एडिट हो सकता है, डिलीट हो सकता है। अब देखो दोस्तों, सबसे पहले तो ये होता है कि जैसे ये एप्पल हो गया 110 रुपीज, अब कल जब बिलिंग करने आऊँगा तो मे बी ये 100 रुपये किलो बेचना है, ये मुझे एप्रिकोट है वो 150 या 250 या 190 रुपीज़ के जी बेचना है, तो ये सब रेट चेंज करने पड़ते हैं। यदि बहुत सारे आइटम के रेट चेंज नहीं करने तो आप डायरेक्टली, जैसे मुझे ड्रैगन फ्रूट का रेट चेंज करना है तो मैं ड्रैगन की फ्रूट के ऊपर डबल क्लिक करूंगा, 120 की जगह पर यहाँ पर मैंने 130 लिख दिया और ये मैंने अपडेट कर दिया। तो इस तरीके से भी मैं इजीली रेट चेंज कर सकता हूँ। और समझो सभी आइटम का रेट मुझे एक साथ चेंज करना है, बहुत सारी आइटम का रेट चेंज करना है, तो मेरे पास यही सॉफ्टवेयर के अंदर एक्सेल में से इम्पोर्ट है, ये टेम्पलेट है एक्सेल का। ये देखो, यहाँ पर ये सभी आइटम का नाम लिख दिया है और उसका ये सब रेट डाल दिया है। तो आप समझो, आज एप्पल का रेट हो गया 120, बनाना का रेट हो गया 35। तो ये इस तरीके से आप यहाँ पे सबका एडिट कर दो फटाफट, इसको सेव कर दो। अब 120 है, 35 है, तो इसको मैं अभी क्लोज कर रहा हूँ। आप देखोगे ये वाली शीट है आइटम लिस्ट। तो अब मैं यहाँ पर जाऊँगा, इंपोर्ट का बटन दबाऊँगा और ब्राउज एक्सेल फाइल करके मैं यहाँ पर वही फाइल जो है आइटम लिस्ट की, उसको मैप करता हूँ, ओपन करता हूँ और ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करता हूँ, ओवरराइट एग्जिस्टिंग आइटम विथ न्यू आइटम्स डिटेल्स, और ये इंपोर्ट डेटा का बटन दबा दिया। तो ये सब आइटम का रेट यहाँ पर चेंज हो जाता है। ये देखो, ये प्रोसेस हो रहा है, 56 आइटम सक्सेसफुली फेच्ड, मैसेज आ गया, मैंने ओके कर दिया। आप देखोगे ये रेट, देखो यहाँ पर ये चेंज हो गया, 120 रुपीज़ एप्पल का हो गया दोस्तों। तो ये इस तरीके से सॉफ्टवेयर, ये देखो बनाना का भी 35 रेट हो गया। तो इस तरीके से हम इजीली रेट रोज चेंज कर सकते हैं। अब हम चलते हैं इनवॉइसिंग के ऊपर, जो सबसे इम्पोर्टेंट है बिलिंग का पार्ट।
देखो दोस्तों, यहाँ पर हमने ये टच पीओएस भी दिया हुआ है। टच पीओएस के अंदर चले जाएंगे तो ये देखिए, इस तरीके से सभी आइटम्स के इमेजेस आ जाते हैं और कैटेगरी भी बन जाती है फ्रूट्स है वेजिटेबल्स है। ये देखिए, यहाँ चालू बिलिंग में भी हम रेट एडिट कर सकते हैं। जैसे अभी कस्टमर को चाहिए पोटेटो, तो ये मैंने पोटेटो के ऊपर क्लिक कर दिया। क्वांटिटी चाहिए मुझे 3 किलो, तो यहाँ पर से ही मैंने 3 किलो ले लिया, तो 20 रुपये के हिसाब से 60 रुपीज हो गया। यहाँ पर मैंने ये क्लिक कर दिया तो ये देखो कोरिएंडर आ गया। भाई कोरिएंडर मुझे 1 किलो ही चाहिए। फिर मुझे चाहिए जिंजर, तो जिंजर मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब मुझे फ्रूट्स लेना है तो फ्रूट्स पे क्लिक कर दिया। भाई फ्रूट्स के अंदर मुझे स्ट्रॉबेरी चाहिए तो स्ट्रॉबेरी डाल दिया। ये देखो ये सब आ गया। या मुझे यहाँ पर रेट चेंज करना है स्ट्रॉबेरी का, तो मैं यहाँ पर से भी 120 की जगह 100 रुपीज करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ। तो मास्टर में चेंज न करके आप यहाँ पे भी इमीडिएटली चेंज कर सकते हो। ये देखो ये 100 रुपीज हो गया, ये आपका इनवॉइस बन गया दोस्तों। तो इस तरीके से इजीली आपका इनवॉइस बन जाता है। कैश कैश कार्ड कैश क्रेडिट ये सब डिटेल भी आती है, और डिस्काउंट देना है तो वो ऑप्शन भी यहाँ पर ही रहता है। तो इतने इजी तरीके से आप पीओएस में, टच पीओएस के अंदर यदि आपके पास टच स्क्रीन हुई तो आप इनवॉइसिंग कर सकते हो। अब हम सिंपल पीसी हो गया, तो सिंपल पीसी में तो दोस्तों इस तरीके से टच स्क्रीन होती नहीं है, तो कुछ नहीं है हमारे पास। उसके लिए भी बहुत ही बढ़िया सॉल्यूशन है, यहां पर पॉइंट ऑफ सेल करके स्क्रीन है। इसके ऊपर चले गए, ये देखो आज कोई भी इनवॉइस नहीं बना है। आज हम एक इनवॉइस बनाते हैं, ये न्यू का बटन दबा दिया मैंने। देखो ये सीधा यहां पर आइटम स्लैश बारकोड आ जाता है। यहां पर हम कोड डाल सकते हैं, सिर्फ सी लिख दिया तो सी से शुरू होती सभी आइटम आ गए। भाई कोरिएंडर, तो कोरिएंडर मैंने सिलेक्ट कर लिया। भाई 1.5 किलो चाहिए तो मैंने 1.5 किलो लगा दिया तो 30 रुपीज हो गया। बनाना चाहिए तो बनाना ऐसे सिलेक्ट कर दिया, मुझे 500 ग्राम बनाना चाहिए, बनाना डाल दिया मैंने। कुली फ्लावर सिलेक्ट करना है तो कुली फ्लावर सिलेक्ट किया, 400 ग्राम करना है तो 0.4 डाल दिया। 60 रुपया केजी का है तो 24 रुपीज हो गया। ये देखिए ये पूरा इनवॉइस का टोटल यहाँ पर आ गया 69 रुपीज। अब मैं ये यहाँ पर ये सेव का बटन दबा देता हूँ तो इमीडिएटली इनवॉइस सेव हो जाता है और सीधा पूछता है कि भाई आपको प्रिंट करना है कि नहीं। अब ये तो सीधा प्रिंट ही निकल जाता है। ये डेमो दिखा रहा हूं तो आपको दिखाऊंगा यहाँ प्रिंट प्रीव्यू ईमेल व्हाट्सएप ये सब यूटिलिटी भी है। मैं आपको प्रीव्यू दिखा देता हूँ दोस्तों। ये तो ये प्रीव्यू के बटन के ऊपर क्लिक कर दिया, ये देखिए क्रिस्टल रिपोर्ट के अंदर पूरी डिजाइन खुल गई। मनन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आ गया, कोरिएंडर बनाना कुली फ्लावर कितना केजी है वो डिटेल आ गया, रेट आ गया उसका केजी का, और उसके हिसाब से टोटल अमाउंट बन के आ जाती है। तो इस तरीके से ये पूरा इनवॉइस बन जाता है। यहाँ पर ये डबल क्लिक करने से ये क्रिस्टल रिपोर्ट के अंदर बनाया गया है, तो आपको समझो ये टाइम नहीं चाहिए। बिल की जगह आपको लिखना है कि भाई बिल ऑफ सप्लाई, आपको यहाँ पर कुछ चेंजेस कर देना है, नेट अमाउंट की जगह टोटल लिख देना है, तो वो भी आप इजीली यहीं पे क्रिस्टल रिपोर्ट में से चेंजेस कर सकते हैं। तो इतना फ्लेक्सिबल है, मतलब इनवॉइस का फॉर्मेट भी हो गया आपके पास और इस तरीके से पूरी डिटेल भी आ गई। अब हम इसको क्लोज करते हैं दोस्तों और यहाँ पर पॉइंट ऑफ सेल में जाओगे और ओके दबाओगे तो ये देखो यहाँ पर आज के दिन के टोटल भी कितना हो गया, ये भी डिटेल आ जाता है। अब हम थोड़े और बिल बनाते हैं। अब मजे की बात यह है कि दोस्तों हम यहाँ कोडिंग से भी बिल बना सकते हैं। जैसे एक नंबर का कोड डाल दिया जिंजर 500 ग्राम, दो नंबर का कोड डाल दिया ग्रीन ऑनियन 600 ग्राम, तीन नंबर का कोड डाल दिया मैंने 1.5 किलो ग्रीन पीस, चार नंबर का कोड दिया हुआ है गुवार को 2 किलो। तो इस तरीके से भी आप यहाँ पर ये देखो कोड सब लिखे हुए 1, 2, 3, ये शॉर्ट नेम जो है वो कोड है। तो कोडिंग से भी आप इस तरीके से इनवॉइस कर सकते हो। स्प्राउट दे दिया मैंने 2.5 किलो, तो ये देखो इस तरीके से भी ये इनवॉइस हो जाता है। यहाँ पर ये सेव का बटन दबा दिया, डू यू विश टू प्रिंट में मैंने नो कर दिया। तो अब मैं यहाँ पर रिपोर्ट देखूंगा तो मुझे रिपोर्ट के अंदर पूरे दिन का हिसाब आ जाता है। मुझे कैश से कार्ड से भी पेमेंट लेना है तो वो भी यूटिलिटीज ये सॉफ्टवेयर के अंदर ही है कि भाई समझो 2 किलो ले लिया, ये देखो कितना इजीली फास्ट बिलिंग होता है। यहाँ पर ये देखो मुझे कैश की जगह पे 220 रुपया कार्ड में आ गया, तो मैं कार्ड भी यहाँ पर सिलेक्ट कर सकता हूँ और मैंने यहाँ पर ये ओके का बटन दबा दूंगा, ये सेव हो गया। तो ये 220 रुपीज कार्ड में आ गया दोस्तों।
तो अब हम यहां पर पॉइंट ऑफ सेल में जाएंगे तो टोटल के अंदर मुझे कार्ड के अंदर 220, कैश के अंदर 2011 और टोटल 2231 रुपया बताता है। इस तरीके से पूरी डिटेल आती है, ये एक्सेल में रिपोर्ट ट्रांसफर भी हो जाता है और इसी का रिपोर्ट बनता है सेल रिपोर्ट में। यदि आप सेल समरी आइटम वाइज में चले जाएंगे दोस्तों तो ये देखो इस तरीके से पूरा डिटेल आ जाता है। यहाँ पर आप सर्च में चले जाओगे और मैक्सिमम सोल्ड आइटम फर्स्ट करके सर्च दबाओगे तो आपको बता देगा कि सबसे ज्यादा एप्पल का सेल हुआ है, फिर स्पिनाच का सेल हुआ है, तो इस तरीके से भी जाता है एंट्री। फिर ये सब शाम को सब्जी खराब हो जाती है तो हमको उसको वेस्टेज में डाल देना है, उसकी भी एंट्री कर सकते हैं। और यही सब्जी आपको परचेस करके लेके आते हैं तो उसका भी स्टॉक आप इसी सॉफ्टवेयर के अंदर मेंटेन कर सकते हो दोस्तों। तो इस तरीके से आपको परचेज हो गया, परचेज को पेमेंट करना है तो वो डिटेल आ गई। होलसेल का काम है तो रिसिप्ट ले ली, कस्टमर का पेंडिंग के अंदर होलसेल इनवॉइस बना दिया तो वो सब भी आप इसी सॉफ्टवेयर के अंदर कर सकते हो। यहाँ पर ये आउटस्टैंडिंग के अंदर रिपोर्ट भी आएगा, ये रिफ्रेश डेटाबेस डैशबोर्ड करने से आपको यहाँ पर ये टॉप सेलिंग प्रोडक्ट कौन सी है वो भी यहीं पे बता देता है दोस्तों, ये देखिए। और कैसे पेमेंट आया है, कैसे कार्ड से, वो भी डिटेल आ जाता है इसी सॉफ्टवेयर के अंदर। यहाँ पर आइटम ग्रुप वाइज भी रिपोर्ट दिया गया है तो मैं यहाँ सेल समरी ग्रुप वाइज के ऊपर क्लिक करता हूँ और ओके करूंगा। यहाँ पर मेरे पास डेट वाइज सिलेक्शन भी आ जाता है तो मुझे बताता है कि फ्रूट्स में टोटल कितना केजी मैंने सेल किया, वेजिटेबल्स में कितना केजी सेल किया और उसकी वैल्यूएशन क्या आती है और टोटल कितना हमने सेल किया। तो इस तरीके से पूरी डिटेल मेरे पास आ गई फ्रूट्स एंड वेजिटेबल शॉप की दोस्तों। तो देखो आपने देखा कितना ईजी है हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर बिलिंग करना फ्रूट्स एंड वेजिटेबल शॉप के लिए स्पेशली। ये बहुत ही इजी सॉफ्टवेयर है और बहुत ही कम प्राइस के अंदर अवेलेबल है ये सॉफ्टवेयर। आप हमारी वेबसाइट billingsoftware.guru के ऊपर जाकर इसका फ्री डेमो खुद ही अपने आप डाउनलोड कर सकते हो और आप देख लो, अच्छा लगे तो आप हमको क्वेरी करो, हमको व्हाट्सएप करो, हम आपकी क्वेरी सॉल्व करके देंगे। और आपको ये एकदम बढ़िया लगे तो ही आपको ये सॉफ्टवेयर परचेस करना है। ये सॉफ्टवेयर की एक बहुत ही एक खासियत ये है कि यहाँ पर एक सेटिंग भी दिया गया है कि भाई वेइंग स्केल के ऊपर से यदि डेटा ले लेना है हमको तो यहाँ पर ये देखो, ये पिक वेट फ्रॉम स्केल ऑटोमेटिकली, पिक वेट फ्रॉम स्केल यूएसबी केबल, ये ऑप्शन भी यहाँ पर ही हमने दिया हुआ है। तो इस तरीके से ये ऑप्शन का भी यदि चाहे तो आप यूज कर सकते हो, नहीं तो टच POS और पॉइंट ऑफ सेल से आप डायरेक्टली भी अपने क्वांटिटी डाल दी तो आपका काम इजीली हो ही जाता है दोस्तों। तो इस तरीके से हमने सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है, आशा करता हूँ आपको ये सॉफ्टवेयर बहुत ही पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।